वेलकम अगेन टू माय चैनल क्रिएटिव केएसबी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है शेप टूल के बारे में। शेप टूल कोरल ड्रॉ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, जिसकी मदद से हम सारी क्रिएटिव डिजाइनिंग करते हैं। पिक टूल का काम केवल होता है किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, रोटेट करना, ट्रांसफॉर्म करना, स्क्यू करना, लेकिन शेप टूल की मदद से हम तो शेप टूल क्या है, ये शेप टूल की देखिए प्रॉपर्टी बार है। इसमें शेप टूल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। द शेप टूल इज यूज टू एडजस्ट वेक्टर शेप्स। जो शेप टूल होता है इसकी मदद से हमारी जितनी वेक्टर शेप्स होती है, चाहे वो सर्किल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे कोई टेक्स्ट हो, चाहे कोई लाइन्स हो, उन सबको हम शेप टूल की मदद से एडजस्ट करते हैं। द लाइन्स एंड नोड्स ऑफ कर्व्स वेक्टर ऑब्जेक्ट्स एंड मेक एडजस्टमेंट टू टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इन कोरल ड्रॉ। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल इन कोरल ड्रॉ। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है कोरल ड्रॉ का, जिसकी मदद से हम सारी क्रिएटिव डिजाइनिंग करते हैं। तो शेप टूल का इम्पोर्टेंस कोरल ड्रॉ में बहुत ज़्यादा अधिक है। तो शेप टूल पिक टूल के ठीक नीचे होता है, इसका शॉर्टकट होता है F10 की। F10 की दबाएंगे तो शेप टूल एक्टिवेट हो जाएगा। आप जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं तो ऊपर प्रॉपर्टी बार चेंज हो जाती है और शेप टूल की प्रॉपर्टी ऊपर दिखने लगती है। द शेप टूल फंक्शंस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर ऑब्जेक्ट। शेप टूल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर के साथ किस तरह से वर्क करता है उसकी डिटेल मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने एक लाइन यहाँ पे सेलेक्ट की है। अब मैं इस लाइन पे अगर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक नोड ऐड हो जाता है। नोड मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो गया, जिसकी मदद से आप अपने शेप को ऊपर नीचे दाएं बाएं ट्रांसफॉर्म या इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी नोड पर डबल क्लिक करते हैं तो वो नोड यहाँ पे डिलीट हो जाता है। मैंने इस लाइन सेगमेंट में डबल क्लिक करके एक नोड बनाया और अब मैं इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करता हूँ। सिंपली मैं प्रॉपर्टी बार में जाता हूँ और ये क्रॉप कस्प मोड पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी नोड की चेंज हो गई। अगर मैं किसी नोड को सेलेक्ट करके सी दबाता हूँ तो ये नोड कस्प नोड में चेंज हो जाता है। आप इस तरह से उस नोड को चेंज कर सकते हैं। यदि मैं एस की दबाता हूँ तो ये स्मूथ नोड में चेंज हो जाता है। आप इसके हैंडलर को ऊपर नीचे दाएं बाएं करके इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं एक बार और एस की दबाता हूँ तो ये सिमेट्रिकल मोड नोड में चेंज हो जाएगा और दोबारा एस दबाता हूँ तो पुनः स्मूथ मोड में आ जाएगा। तो इस तरह से हम शॉर्टकट की के माध्यम से भी इन नोड्स के बिहेवियर को, इन नोड्स के कार्य करने की जो पद्धति है उसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं अगर लाइन सेगमेंट को सेलेक्ट करता हूँ और ऊपर जाकर स्ट्रेट वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, या सिंपली एल की दबाकर इसके बिहेवियर को चेंज करके इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अभी ये कर्व लाइन में है। मैं कंट्रोल जेड करके इसको वापस ले लेता हूँ। तो आप सिंपली एल की दबाकर किसी भी लाइन को, जो स्मूथ लाइन है, कर्व लाइन है, उसको सिंपल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं इस सर्किल पे क्लिक करता हूँ और इसके नोड पे क्लिक करके इसको ऊपर नीचे करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके नोड ऊपर नीचे आराम से सर्किल की शेप चेंज हो रही है। इससे पहले मैंने इस सर्किल को कन्वर्ट टू कर्व कर लिया है, इससे इसकी जो प्रॉपर्टी सर्किल की थी वो खत्म होकर एक सिंपल कर्व ऑब्जेक्ट बन गया है। अब मैं इन नोड्स हैंडलर की मदद से इसकी शेप को जैसा चाहे उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब यही चीज मैं इस सर्किल के साथ करता हूँ। सिंपली मैं शेप टूल पे इस नोड पे क्लिक करता हूँ और इसको इस तरह से खींच लेता हूँ। माना मेरे को ये टेयर में कन्वर्ट करना है, मैंने सिंपली ये लिया और यहाँ पे जाके सी दबा दिया। सी से क्या होगा, कस्प में चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ ये, और इस पॉइंट को डिलीट मार देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितना सिंपली इसको, इसकी शेप चेंज करके इसको ईयर फॉर्म में ला दिया। तो ये होता है शेप टूल का काम। अब सपोज मैं इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करता हूँ शेप टूल से,
इस रेक्टेंगल के नोड पे क्लिक करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। सिंपली मुझे यहाँ पे जाके इसको नोड पकड़ना है, इस तरह से इसको क्लिक करना है। तो ये मेरा, अब मैं सपोज इसका इस रेक्टेंगल केवल एक कॉर्नर चेंज करना चाहता हूँ, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, बाकी मेरे डिसलेक्ट हो गए और मैं पकड़ के इसको इस तरह से कर दूँगा। ऐसी माने मेरे को ये वाला कॉर्नर राउंड करना है, सिंपली क्लिक किया और इसको पकड़ के ऐसे खींच लिया। अब मेरे पे यहाँ पे ये इलिप्स टूल है, इलिप्स सर्किल है एक, और इसकी प्रॉपर्टी में चेंज कर रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको इसकी नोड घुमाऊंगा तो ये पाई में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से मैं इसको पाई में कन्वर्ट कर सकता हूँ और इसको ऐसे इस तरह से जितना चाहे, अगर मैं इसको बाहर की तरफ लूँगा तो ये आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, अंदर की तरफ लूँगा तो ये पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से पूरा ये इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकता हूँ। इधर लूँगा, बाहर की तरफ लूँगा तो ये आर्क बनेगा, अंदर लूँगा तो ये पाई बनेगा। मैं सिंपली यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी बार में जाके भी इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये इस तरह से ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। चेंज डायरेक्शन इधर करूँगा तो इसकी डायरेक्शन इधर चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हम डिफरेंट प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं अपने शेप टूल से। और अब हम यहाँ पर ये पॉलीगन टूल है हमारा, आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पॉलीगन टूल लिख के आ रहा है कि 5 साइड का स्टार बना रखा है। हम शेप टूल की मदद से इस पॉलीगन की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ये इसकी साइड्स बढ़ानी घटानी है, आप सिंपली पॉलीगन पे जाइए और इस पर ये इसकी साइड बढ़ घट गई। आप इसकी डिजाइन को शेप टूल से किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, माना आप उससे कोई नोड ऐड करना है, सिंपली डबल क्लिक कीजिए, इस पर एक और नोड ऐड हो जाएगी। या आपको उसको कर्व में कन्वर्ट करना है, सिंपली टू कर्व कर दीजिए, अब आप इसकी शेप को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसकी ज्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे चल के मैं इसकी पूरी वीडियो एक और बनाऊंगा जिसमें हर टूल के बारे में अलग से जानकारी दूंगा। तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि शेप टूल हमारा क्या क्या वर्क करता है और क्या क्या वर्क कर सकता है। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे जाएंगे आप तो इसको आप स्मूथ कर सकते हैं ये इस तरह से। ये तो आप शेप टूल की मदद से बहुत सारी चीज़ें अपने डिजाइनिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं शेप टूल की मदद से इस टेक्स्ट को ऊपर नीचे सिंपली सेलेक्ट करके ऊपर नीचे कर सकता हूँ। हम इस टेक्स्ट को कर्निंग भी कर सकते हैं, सिंपली शेप टूल से इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये इसकी स्पेस बिटवीन करेक्टर के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा, और शिफ्ट के साथ करेंगे तो वर्ड के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। अब ये आर्टिटेक्ट है, हम स्पेस बिटवीन लाइन भी शेप टूल की मदद से कर सकते हैं। हमारे पास दो प्रकार का टेक्स्ट होता है, आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट। तो पैराग्राफ टेक्स्ट में भी यही चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं, सिंपली किसी भी नोड को टेक्स्ट के जो डॉट डॉट स्क्वायर से दिख रहे हैं उनको सेलेक्ट करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, कर्निंग कर सकते हैं, मतलब स्पेस बिटवीन करेक्टर और स्पेस बिटवीन वर्ड सिंपली विथ शिफ्ट की, और वी कैन चेंज लाइन स्पेसिंग सिंपली ड्रैग अप एंड डाउन। तो शेप टूल के बारे में ये सारी जानकारी मैंने आपको दी, और शेप टूल का बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग करना हम सीख चुके हैं। शेप टूल डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट वे में बिहेवियर करता है। आगे भी आपको इसी तरह की डीप जानकारी मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलती रहेंगी। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब।